अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया। बैड न्यूज है, बैड न्यूज ये है कि इसका पार्टनर जो है ना, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि अपना केज जो है ना आ गया हुआ है, जो मुर्गियों के लिए और तोतों के लिए बनवाया था मैंने, ये चेक करें, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये नीचे वाला जो है मुर्गों के लिए और ऊपर वाला तोतों के लिए, ठीक है ना। आप बताइए आपको कैसा लगा ये। तो चलें इनको जो है ना इनमें शिफ्ट करते हैं। फिलहाल तो मुर्गों को करेंगे, बाकियों को बाद में, क्योंकि ऊपर वाला अभी छत मैंने नहीं रखा। चलो भैया, जो चलो 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 ओ ये जो है ना खाने वाला बोल इनका, वो साफ करते हैं, इसको रखते हैं इसके अंदर। एक को अंदर कर दिया कवर, दूसरा भी जो है ना वो भी पकड़ा गया जी। केज जो है ना दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। सफाई वगैरह भी जो है ना करते रहनी है, ताकि इसको फिर बाद में जी। अब ये जो है ना खुशी से खा रहे हैं, इनके लिए नया घर है, तो इसलिए। तुम्हें कैसे पता चला? ये जो है ना जब मैं पीछे को कर रहा था, उसका पाँव अंदर आ गया था, बाकी बच गया है। The next day. गुड मॉर्निंग, अगला दिन स्टार्ट हो गया। और एक और गुड न्यूज आएगी, और कुछ और मेहमान आए हैं घर में, मिलवाते हैं आपको उनसे। इधर से दिखाता हूँ, दो मुर्गियाँ, एक मुर्गा और एक डक्की भाई। डक्की भाई जो बिट है ना, उसकी भूख बहुत है, मेरे माइंड भर रहा है इसे जो है ना आज ही जो वापस कर गया हूँ, बाकी तो काम चलता है वो ठीक है, लेकिन डक्की भाई जो है ना पैंपर लगाने के बावजूद भी जो है ना भूख बहुत आती है इसकी। और जी डक्की भाई, डक्की भाई मुंह इधर करो, टुईगी हुई है। ओ डकी भाई मुझ पा रहा है बब्बू के मारे, वो देख वो है। और डकी भाई ने तो भाई जी बात ही नहीं सुनी, अपनी अकड़ में बैठा हुआ है अभी तक, वैसे का वैसे ही स्टिल हुआ हुआ। तो गर्मी बहुत हो गई है, लाइट चली गई है, अभी चलते हैं दुकान पे, अपना काम करते हैं, करने दो डकी भाई को पैंपर लीक, ठीक है ना। नहीं। Three days later. हाँ जी, उस दिन दुकान पे आ गया था तो बारिश की वजह से थोड़ा सा नुकसान हो गया था, और जो नुकसान हुआ था कुछ पीपियाँ थी, सामान वगैरह था वो गीला हो गया था। जो है अभी ये बैरंग वगैरह है, ठीक है, इनको सुखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। डिब्बियाँ गिली हुई हैं, वैसे पैक हैं, लेकिन डिब्बियों की भी तो ज़रूरत है, ऊपर जो है ना नंबरिंग हुई हुई थी, ठीक है ना, तो इसलिए। और ये स्क्रू है यहाँ पर पड़े हुए, ये इनकी डिब्बियाँ ख़राब हो गई थी तो उनका कुछ नहीं कर सके, यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी सेपरेट करेंगे, अलग अलग करके, अलग अलग साइज़ के, फिर दूसरी प्लास्टिक की जो छोटी डिब्बियाँ मिलती हैं उनमें इनको शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पे नुकसान हुआ वो आपको दिखाते हैं, और ये भी बताता हूँ कि क्यों और कैसे हुआ, ठीक है ना। जो नुकसान हुआ ना ये रैक वहाँ तक था, आगे तक, ठीक है। तो ये इधर से जो है ना ये देखें, उतार के इधर रख दिया, ख़राब हो गया बारिश के पानी की वजह से, ये देखें अभी भी नीचे से गीला है। डिब्बियाँ वगैरह निकाल दी हुई हैं इधर से, फिर दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ऊपर से आपको दिखाता हूँ, हुआ ये है, यहाँ से पानी आता है नीचे, मैंने वो भी रखा था बाउल, तो पानी जो है ना उसकी छिंटे नीचे जाती थी, उस वजह से हुआ ना रैक नीचे था, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वो पानी गिर गिर के ख़राब हो गया, ये देखें दीवार भी ख़राब हुई है। हाँ तो ये है, बाकी बात वगैरह की है, वहाँ पे पाइप वगैरह लगाते हैं,
एक दो दिन में जो है ना मिस्त्री वगैरह आ जाएगा तो फिर वो काम क्लियर हो जाएगा, फिर वो मसला जो है ना हल हो जाएगा। अभी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, जो होना था वो तो गया हो, इंजॉय करें। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है जी। आज 14 अगस्त है, मेरी तरफ से आप सबको आज़ादी मुबारक। लेट ब्लॉग स्टार्ट किया तकरीबन 6:45 का टाइम हो गया, और बच्चे वगैरह रोड पे गए हुए हैं, बाजे वगैरह फुल बजा रहे थे, इसलिए जो है ना शोर की वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा जो है ना ब्लॉग बनाऊँ। जब टाइम मिला मैंने बना लिया, और आज जो है ना काफ़ी दिनों बाद मैंने ब्लॉग बनाया, काम में मसरूफ था जो आपको बताया, इस वजह से भी और भी एक दो पर्सनल काम थे। तो आपकी सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो वगैरह पसंद आ रही होंगी, नहीं भी आ रही तो थोड़ा एडजस्ट करो यार, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। आप सबकी सपोर्ट चाहिए बस। एक चीज़ बताना तो मैं भूल गया यार, कल की मेरी फेसबुक जो है ना हैक हो गई है, और जिसने हैक की उसने मेरी ईमेल मोबाइल नंबर ए टू जी सब चीज़ें चेंज कर दी हैं, तो उसकी भी टेंशन है मुझे। बहुत पुरानी जो है ना मेरी फेसबुक की आईडी थी, तकरीबन 12-13 साल पुरानी, तो वही मैं चला रहा था, कोई नई वगैरह नहीं थी। नहीं पहले बनाता था छोड़ता था, लेकिन ये एक आईडी थी जो मसलसल जो है ना मैं यही चला रहा था, बस इसका दुख लगा हुआ है। आज ट्राई करना है कि रिकवर हो जाए, आप भी दुआ कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आज हो जाएगी, अगर होगी तो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।